हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि आप जो कि अपना ऑनलाइन राशन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, जो कि ग्रीन कलर का आपका राशन कार्ड होता है, बेसिकली ज़्यादातर ग्रीन कलर का ही होता है और होते तो ब्लू और रेड कलर के भी हैं। तो आप जो कि अपने राशन कार्ड को जो कि ऑनलाइन फॉर्मेट में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो। चाहे आपका राशन कार्ड किसी भी स्टेट का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, दिल्ली का हो, मेघालय का हो, असम का हो, पूरे इंडिया में कहीं का भी आपका राशन कार्ड हो, आप जो कि इस फॉर्मेट से है जो कि ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने राशन कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर ना हो, राशन कार्ड खो गया हो पर आपका राशन कार्ड बना हुआ हो, तो उसे आप कैसे निकाल सकते हैं, उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना के अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर आप चाहो तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो को हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो आपको है जो कि अपने फ़ोन या कंप्यूटर में जो कि किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जो कि यहाँ पर आपको सर्च आइकन में सर्च कर लेना होगा NFS.। जो भी आपका स्टेट हो, दिल्ली हो तो आप दिल्ली लिखेंगे, बिहार हो तो बिहार लिखेंगे, उत्तर प्रदेश हो तो यूपी लिखेंगे। तो हमारे दिल्ली का हम करने के दिखा रहे हैं आपको, तो हम यहाँ पे दिल्ली लिख देंगे। तो आप ऐसे लिख देंगे, उसके बाद जो कि आपको सिंपली है जो कि क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आप देख रहे हैं यही ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि दिल्ली की है। अदर स्टेट की अलग होगी, जैसे कि मैंने आपको सर्च करने का बताया तरीका, वैसे ही आपको सर्च करना होगा। सिंपली आपको फर्स्ट वाले लिंक पे है जो कि क्लिक कर देना होगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली है जो कि इस तरफ पे आ जाना है, जो कि राइट कॉर्नर है, जो कि आप देख रहे हैं सिटीजन्स कॉर्नर। तो इस वाले कॉर्नर पे मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ साइज। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ थोड़ा बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पर है जो कि आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा, और आप चाहो तो यहाँ से जो कि अपने राशन कार्ड का मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो। अगर उस पर वीडियो चाहिए हो तो वो भी मैं आपके लिए बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगा। सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, सिंपली है जो कि आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा अपनी स्क्रीन को। और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर गेट ई राशन कार्ड। आपको है जो कि गेट ई राशन कार्ड वाले ऑप्शन पर है जो कि क्लिक कर लेना होगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हैं आपके पास एक नया पेज ओपन होगा। तो आपको बता देता हूँ इस पेज में है कि आपको डिटेल कैसे भरनी होगी। तो फर्स्ट नंबर पे आप जो कि देख रहे हैं बॉक्स, उसमें भरना होगा आपको अपने राशन कार्ड का नंबर, जो कि आपको अपने राशन कार्ड के ऊपर ही मिल जाएगा। आप वहाँ से उस नंबर को देख के यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद सेकेंड बॉक्स में आपको भरना होगा नेम ऑफ हेड, मतलब कि जिस भी फैमिली मेम्बर के नाम पे राशन कार्ड हो, चाहे वो आपके माता के नाम पे हो या पिताजी के नाम पे हो या आपके नाम पे हो, आपको उनका नाम लिखना होगा जिनके नाम से राशन कार्ड बना हुआ होगा। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आधार नंबर का ऑप्शन आ रहा है। आधार नंबर में है जो कि आपको आधार नंबर भर देना होगा अपने फैमिली मेम्बर के मुखिया का, यानी कि जो भी मेन मेम्बर हो राशन कार्ड में उसका आधार नंबर। और उसके बाद फोर्थ वाले बॉक्स में आपको भरना होगा जो कि ईयर ऑफ बर्थ। तो ये डिटेल है जो कि आपको आधार कार्ड पे मिल जाएगी, डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर होगा वो आपको ईयर यहाँ पे भर देना होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर है जो कि आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर नीचे अपना डाल देना होगा अपने फिफ्थ वाले नंबर पे। तो यही सब आपको डिटेल यहाँ पे भरनी होगी। ये सब डिटेल भर के है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक कैप्चा कोड भरने का ऑप्शन होगा। ये सब भरने के बाद जो कि आपको ये कैप्चा देख के यहाँ पर बिल्कुल सही सही भर देना है, और फिर सीधा आपको कंटिन्यू वाले बटन पे दबा देना होगा। तो मैं इन सब डिटेल्स को भर देता हूँ और फिर आपको कंटिन्यू करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारी डिटेल्स को है जो कि भर लिया है अपने इस कॉलम में। आप जो कि मैं आपको सीधा कंटिन्यू करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ कंटिन्यू वाले बटन पर जो कि हमने दबा दिया है, अब देखिए यहाँ पर एक OTP आएगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। जो भी आपके राशन कार्ड से है जो कि लिंक होगा मोबाइल नंबर, उस पर OTP आएगा। तो हमारे जो कि है राशन कार्ड का OTP आ चुका है मेरे मोबाइल नंबर पे, जो दूसरे वाला है। तो हम यहाँ पर है जो कि OTP को भर देते हैं, जो भी हमारे पास OTP आया है भी भर देना ऊपर, जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया होगा। और नीचे आपसे है जो कि अपने एक फैमिली मेम्बर का है जो कि आधार नंबर यहाँ पर डालने को कह रहा है। तो आपके जो कि राशन कार्ड पर जितने भी फैमिली मेम्बर हो, उसमें से एक का है जो कि आप आधार नंबर यहाँ पर मैंशन कर सकते हो। तो आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना होगा, और फिर सिंपली है जो कि आपको डाउनलोड वाले बटन पे है जो कि दबा देना होगा। डाउनलोड वाले पे आप जैसे ही दबा देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग ले रहा ही है अभी। अब देखते हैं आगे अपना क्या स्टेप होता है। फाइल जो कि डाउनलोड हो गई है, अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ।
तो जैसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पर देखिए अपना जो कि राशन कार्ड कुछ इस टाइप से डाउनलोड हो गया है। आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट भी निकलवा के है जो कि उसको लेमिनेशन करवा सकते हो। एक अलग टाइप का पेज आता है जो कि फोटो के टाइप का पेज आता है, उस पर आप चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा के इसका पीवीसी कार्ड भी बनवा सकते हो। और कई शॉप्स ऐसी भी होती है जो कि आपको डायरेक्ट पीवीसी कार्ड बना के दे देती है। तो आप भी इसी प्रोसेस से है जो कि अपना राशन कार्ड को है जो कि ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। और आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।